वेलकम बैक, शो चल रहा है चिल ऑन व्हील और आप सुन रहे हैं 1490 AM आपका 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो, हमेशा आपके साथ। और आपके साथ है श्रित इस वक्त और हमारे साथ है कविता कृष्णमूर्ति जी। जी हाँ, जिनका आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पर। हमने ढेर सारी बातें इनसे की है और अब एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात कैसे हुई डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी के साथ, और जो वॉर्नर ब्रदर्स के लिए आपने एक एल्बम के लिए जब आपने अपनी आवाज दी थी जो कि ग्लोबल फ्यूजन नाम का एल्बम था, उससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग सी बात आज हम जानना चाहते हैं। वॉर्नर ब्रदर्स का वो तो एक्चुअली बहुत बाद में हुआ। वो जब फ्यूजन जो एल्बम था वो ऐसा था कि पहली मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जो वायलिनिस्ट हैं उनके साथ बॉम्बे में एक स्टूडियो में हुआ और मैंने गाना गाया उनके लिए। तब उन्होंने मुझे बहुत आस्ते से पूछा कि आई एम डूइंग अ ग्लोबल फ्यूजन रिकॉर्डिंग, कैन यू कम टू बैंगलोर इन अबाउट अ वीक्स टाइम एंड रिकॉर्ड दिस फॉर मी इन बैंगलोर। I said, Dr. Subramaniam, I will come, but I don't know what fusion means. He says, no, don't worry. I'm looking for your kind of a voice. First, aap ga do and I'll tell you what to sing. So, cut to 1 week later, I went to Bangalore. Phir ek gypsy train karke piece tha, jisme unki violin thi, phir Latin American violinist, guitarist the, aur Indian percussion tha. एक अलग फॉर्म में मतलब मुझे गाना था, इन्होंने इंडिकेटेड कि ऐसा ऐसा होगा, फिर वो मैंने रिकॉर्ड किया और वो फिर एल्बम बनी और मेरी उनके साथ शादी हो गई। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात जो आज हमें यहाँ पे पता चली है। और एक बात कविता जी, जो आपके बेटे हैं अम्बी सुब्रमण्यम, वो भी एक बेहतरीन वॉलिनिस्ट हैं और वो भी आज यहाँ पर इस इवेंट में परफॉर्म करने वाले हैं। उनकी प्लेस था, वो हार्ड वर्क कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि बहुत बड़ा वायलिनिस्ट बने और वो उसी रास्ते पे चल रहे थे। ऑलराइट, तो कविता जी के साथ करेंगे और भी बहुत सारी बात, आप बने रहे हमारे साथ चिल ऑन व्हील पर। ये है WDUR 1490 AM आपका 24 आवर्स फ्री साउथ एशियन रेडियो, हमेशा आपके साथ।